लोगों से, धनबाद वासियों से मैं अपील करना चाहती हूँ कि अब 18 प्लस के जो भी लोग हैं वो अपने नजदीकी सेंटर पे जाए और वैक्सीन लगाए, क्योंकि वैक्सीन के अलावा हमारे पास अभी कोई कोरोना का कोई दवाई नहीं है। वैक्सीन को बर्बाद ना करें। और जो भी फेक र्यूमर्स और लोगों में है कि वैक्सीन लगाने से साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, वो सबसे बचे, क्योंकि इंडियन साइंटिस्ट को थैंक्स करना चाहूंगी। और मैं मुझे इस बात का बहुत गर्व का महसूस करती हूँ कि उन्होंने इतने कम समय में कोरोना वैक्सीन बना, लोगों का जान भी बचा रहे हैं। एक टीका एक जीवन बचाता है, इसी वजह से आप टीका को बर्बाद ना करें और अफवाहों से बचे। महुदा वासरी अंतर्गत भारी वाहन कार्यशाला भुरंगिया HB सेक्शन में कोयला इस्पात मजदूर पंचायत यूनियन द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन की बैठक RP सिंह की अध्यक्षता में हुई। इसमें उपस्थित सभी को संगठन द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत किया, जिसमें दर्जनों कर्मी दूसरे यूनियन को छोड़ कोयला इस्पात मजदूर पंचायत यूनियन में आस्था रखते हुए शामिल हुए। इस बैठक में मजदूरों के समस्याओं पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई। RP सिंह ने मजदूरों को संबोधित करते हुए कहा कि भुरुंगिया HB सेक्शन व महुदा कोलवासरी में कार्यरत श्रमिक भाइयों एवं बहनों का सभी जायज मांगों को उच्च प्रबंधन व स्थानीय प्रबंधन से वार्ता कर शीघ्र निष्पादन करूंगा। उन्होंने सभी श्रमिकों को अवगत कराया कि विगत मार्च व अप्रैल माह 2021 से गलत ढंग से आयकर काटा जा रहा था, उसे प्रबंधन के उच्च अधिकारियों से वार्ता कर रोक लगाया एवं उचित आयकर काटने के लिए प्रबंधन को कहा, जिससे भुरुंगिया व महुदा वासरी के श्रमिकों का न्यूनतम 5,000 रुपए से लेकर अधिकतम 20,000 रुपए तक आयकर की कटौती से बचाया गया। इसके अलावा श्रमिकों के जन्मतिथि में सुधार कर समय से पूर्व रिटायर होने पर रोक लगाया। संगठन के केंद्रीय सचिव SS दे ने कहा, कोयला इस्पात मजदूर पंचायत पूरे कोयलांचल में सबसे पुराना मजदूर संगठन है, जिसका गठन स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी ने सन 1949 में किया था। यह संगठन सिर्फ मजदूरों से संबंधित समस्याओं पर प्रबंधन से वार्ता कर श्रम न्यायालयों से न्याय दिलाने का कार्य करता है। इस बैठक में दर्जनों कर्मी दयानंद यू के दुबे, समुद्र महतो, धीरन महतो, टेकलाल महतो आदि उपस्थित रहे। भारत कुकिंग कोल लिमिटेड में और कोल इंडिया में जो नई वेतन समझौता 11 के लिए JBCCI की आहूत बैठक संभवतः 30 जून या जुलाई के पहले सप्ताह में होने जा रही है, तो उसमें हम लोग जो कोल इंडिया के सामने जो मांग पत्र प्रेषित किए हैं उसका जानकारी देने के लिए आए हैं। द्वितीयतः कि जो यहाँ के स्थानीय समस्या है भुरंगिया वर्कशॉप HB सेक्शन का या महुदा कोलवासरी का या इस क्षेत्र का, चाहे मजदूरों का प्रमोशन से संबंधित हो